बच्चों हम आज आपकी किताब स्नैपशॉट का करने वाले हैं सातवां चैप्टर जिसका नाम है बर्थ ये है एक डॉक्टर की कहानी अब बच्चों की कहानी में क्या है जानने के लिए हम क्या करेंगे हम करेंगे इस चैप्टर के पहले भाग की शुरुआत तो चलो करते हैं शुरू दो इट वॉज नियरली मिड नाइट एंड्रयू एंड्रू रिश्ड ब्रैंग ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर फॉर हिम तो बच्चों लेखक कह रहा है कि लगभग अर्धरात्रि हो चुकी थी जब एंड्रू पहुंचा ब्रायंगवर और उसने पाया कि जो मॉर्गन एक व्यक्ति है वो इंतज़ार कर रहा है उसका और इंतज़ार में क्या कर रहा है जो मॉर्गन वॉकिंग अप एंड डाउन विथ शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्ग सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस और ये जो जो मॉर्गन है वो छोटे कदम लेकर चल रहा है आगे पीछे क्लोज सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा का जो कक्ष है शल्य क्रिया का जो कक्ष है जो बंद है वहाँ से और जो घर का प्रवेश द्वार है इनके बीच की जो जगह है वहाँ पे वो चहलकदमी कर रहा है एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ और जैसे ही जो मॉर्गन ने देखा उसको यानी कि एंड्रू को तब ये जो हट्टी कट कर, हट्टा कट्टा ड्रिलर था बर्ली मतलब हट्टा कट्टा ड्रिलर था उसके चेहरे के जो भाव थे वो कैसे आ गए थे वो रिलीफ के आ गए थे राहत के आ गए थे यानी कि चेहरे ने जो अभिव्यक्ति की वो कैसी की राहत की की डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू आई हैव बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आर तो फिर जो मॉर्गन ने कहा कि डॉक्टर मैं आपको देख के प्रसन्न हूँ मैं बार बार आता जाता रहा हूँ लगभग एक घंटे से द मिस वॉन्ट्स दो मिसिज है मिसेज मतलब जो मालकिन हैं वो आपको बुलवा रही हैं बिफोर टाइम टू समय से पहले तो बच्चों यहाँ पे कहानी में क्या है आगे जानने के लिए हमें आगे कहानी पढ़नी पड़ेगी लेकिन उसके लिए पहले हमने जो जो मीनिंग्स पढ़े हैं उन्हें भी तो रिवाइज करना होगा ना देखिए सबसे पहला है नियरली नियरली मतलब लगभग मिड नाइट मतलब अर्ध रात्रि ये क्या होगा बच्चों अर्ध रात्रि एंट्रेंस यानी कि प्रवेश द्वार साइट यानि कि देखना बर्ली मतलब हट्टा कट्टा या फिर पलवान एक्सप्रेस्ड मतलब अभिव्यक्त मिसेस यानी कि मालकिन एंड्रू अब्रप्टली रिकॉल फ्रॉम द कंटेपलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स और ये जो एंड्रू था ना वो एकाएक उसने क्या किया वापस बुलवा लिया अपने कंटेम्पलेशन को अपनी उस चिंता को जो उसके खुद के मामलों की थी यानी कि एंड्रू के खुद के मामलों की चिंता थी उसने क्या किया वो चिंता उसने एकाएक छोड़ दी टोल्ड मॉर्गन टू वेट और फिर एंड्रू ने मॉर्गन को कहा इंतजार करने के लिए ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग देंट टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर ट्वेल्व बलाइना टेरिस फिर क्या किया एंड्रू ने वो अंदर गया अपना बैग लेने के लिए और फिर वो दोनों यानी मॉर्गन और एंड्रू निकल पड़े नंबर बारह बलीना टेरिस जाने के लिए ये एक एड्रेस है बच्चों द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री जो रात की वो जो हवा थी ना वो एकदम ठंडी थी और गहरी थी और खुद अपने आप में मिस्ट्री थी रहस्य थी यूजअली सो परसेप्टिव एंड्रू ना फेल डल एंड लिस्टलेस ज़्यादातर यूजअली मतलब आम तौर पर या ज़्यादातर एंड्रू जो रहता था वो कैसा रहता था सचेतन रहता था पर अभी एंड्रू बहुत सुस्त और लिस्टलेस उदासीन महसूस कर रहा था एंड्रू no को कोई पूर्व संकेत नहीं था कि वो कुछ अनयूजल होगा भाई अनयूजल क्यों होगा बच्चों जानते हैं पहले मीनिंग रिवाइज करेंगे देखिए सबसे पहला है एब्रप्टली एब्रप्टली मतलब एकाएक या फिर सहसा रिकॉल्ड यानी कि वापस बुलाया कंटेम्पलेशन मतलब चिंता अफेयर्स यानी कि मामले या फिर कार्य मिस्ट्री मतलब रहस्य यूजुअली मतलब आमतौर परसेप्टिव मतलब सचेतन डल यानी कि सुस्त लिस्टलेस यानी कि उदासीन प्रीमोनिशन मतलब पूर्व संकेत विड प्रूव अनयूजअल प्रूव अनयूजअल मतलब साबित होगा असामान्य स्टिलेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लैनली और वो तो उसको बिल्कुल भी संकेत नहीं था पूर्व संकेत नहीं था एनड्रू को कि ये जो रात है वो उसके पूरे भविष्य को इतना ज़्यादा प्रभावित करेगी या प्रभाव डालेगी द टू मैन वॉकड इन साइलेंस अंटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर ट्वेल्व ये जो दोनों आदमी थे मॉर्गन और एंड्रू वो दोनों चलते रहे चुपचाप जब तक वो नहीं पहुँचे नंबर बारह के दरवाजे तक दैन जू जो ड्रू अप शॉर्ट और उसके बाद क्या हुआ जो ने ड्रू अप शॉर्ट करा आई एम नॉट कम इन ही सेड एंड वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन और क्या बोला कि भाई मैं अंदर नहीं जा रहा ड्रू तो बच्चों जो क्यों नहीं अंदर जा रहा भाई वो बहुत घबराया हुआ है इसीलिए तो क्या किया था जो ने कि भाई मॉर्गन को अंदर जाने को बोला और वो वहीं पे रुक गया एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन और जो की जो आवाज़ थी उसमें स्ट्रेन के तनाव की एक झलक थी बट मैन आई नो यूल डू वेल फॉर अस उसने क्या कहा पर मैं जानता हूँ जो ने कहा एंड्रू को कि मैं जानता हूँ आप अच्छा करेंगे हम लोगों के लिए इन साइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम अब अंदर का नज़ारा दृश्य बताया गया है कि अंदर एक संकीन सी सीढ़ी थी जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या हमने शब्द पड़े हैं पहले वो देखते हैं देखिए सबसे पहला है प्रूफ प्रूफ मतलब साबित होना अनयूजल यानी कि असामान्य इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालना स्ट्रेन यानी कि तनाव नैरो मतलब संकीर्ण या फिर तंग स्टेयर मतलब सीढ़ी और ये जो सीढ़ियाँ थी ये जा रही थी एक छोटे से बेडरूम में शयन कक्ष में क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड तो बच्चों ये जो बेडरूम था वो साफ़ तो था पर असंतोषजनक तरीके से पुअरली मतलब असंतोषजनक तरीके से फर्निश्ड था सजा हुआ था एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प और उस छोटे से बेडरूम में केवल छोटा सा ऑयल का तेल का लैम्प ही जल रहा था Here, Mrs. Morgan's mother, a tall, grey-haired woman of nearly seventy, अब इस चयन कक्ष में Mrs. Morgan's mother, है ना Mrs. Morgan की जो मदर थी यानी कि ये Morgan की जो पत्नी थी उनकी जो माता थी जो कि एक लंबी और ग्रे बालों वाली महिला थी यानी कि उनके जो सर के बाल थे वो ग्रे रंग के थे उनकी उम्र लगभग सत्तर साल थी the stout, elderly mid-five waited behind the beside the पेशेंट और जो मॉर्गन के अलावा एक स्टाउट एक तगड़ी एल्डरली प्रॉड मिडवाइफ दाई थी जो कि इंतज़ार कर रही थी प्रतीक्षा कर रही थी पेशेंट के साम पास में खड़े होकर वॉचिंग एंड्रूज एक्सप्रेशन एज ही मूवड अबाउट द रूम और वो लोग दोनों क्या कर रहे थे देख रहे थे एंड्रू के भाव जब वो कमरे में चल रहा था लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बाश सेट द फॉर्मर क्विकली तो फॉर्मर ने क्विकली कहा यानी कि मिसेस मॉर्गन ने झट से कहा जल्दी से कहा कि मैं आपके लिए एक चाय का एक प्याला बनाती हूँ डॉक्टर यानी कि एंड्रू है कौन बच्चों एंड्रू एक डॉक्टर है तो बच्चों क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं देखिए हम रिवाइज करते हैं सबसे पहला है पुअरली पुअरली मतलब असंतोषजनक ढंग से फिर है फर्निश्ड मतलब सजा हुआ नियरली यानी कि लगभग स्टाउट मतलब तगड़ा या फिर मोटा एल्डरली मतलब प्रौढ़, यानी कि प्रतीक्षा की, की। एक्सप्रेशन मतलब भाव आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ये बात जो फॉर्मर यानी कि मिसेज मॉर्गन की माता थी उन्होंने कुछ क्षणों बाद कही एंड्रू स्माइल्ड स्माइल फ्रेंडली एंड्रू ने क्या किया वो मुस्कुराया थोड़े से बल से मतलब कि थोड़ी सी उसको मुश्किल हुई मुस्कुराने में ही सॉ दैट द ओल्ड वुमन वाइज इन एक्सपीरियंस रियलाइज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग दैट शी वॉज अ फ्रेड ही वुड लीव द केस सेंग ही वुड रिटर्न लेटर तो बच्चों उसने देख लिया था एंड्रू ने देख लिया था कि वो जो बूढ़ी महिला हैं जो कि काफ़ी क्या है बुद्धिमान हैं अपने एक्सपीरियंस में अपने अनुभव में यानी कि इन बूढ़ी महिला को काफ़ी ज़्यादा अनुभव है उन महिला को ये एहसास हो गया है देर मस्ट बी अ पीरियड क्या होगा कि भाई एक समय होगा इंतज़ार करने का और इसी कारण से उनको भय था कि एंड्रू इस केस को छोड़ के चला जाएगा और कहेगा कि वो थोड़ी देर में आएगा केस कौन बच्चों वो महिला मिसेस मॉर्गन यानी कि जो मॉर्गन की पत्नी अब उनके साथ क्या हुआ है हम जानेंगे क्या हुआ है लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि मिसेस मॉर्गन की जो माता हैं उनको अनुभव था कि अगर Uh, ये जो समय काल है ये जो समय है ये जो अवधि है ये ज़्यादा लंबी होगी तो हो सकता है डॉक्टर बोले कि वो बाद में आएगा और वो ऐसा शायद नहीं चाहती थी डोंट फ्रेट मदर आई एल नॉट रन अवे पर एंड्रू ने क्या कहा आप चिंता मत करिए माता आई एल नॉट रन अवे मैं नहीं जाऊँगा डाउन इन द किचन ही ड्रैंग द टी विच ही गेव हिम किचन में उसने यानी एंड्रू ने पी वो चाय जो कि उस महिला ने उनको दी थी ओवर रॉट और ओवर रॉट मतलब अति व्यग्र एज ही वो था न्यू he he could not snatch even an hour's sleep if he went home। उसको पता था कि वो इतना व्यग्र है कि वो नहीं ले सकता एक घंटे की नींद भी अगर वो घर जाता तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स पढ़ी हैं। देखिए रिवाइज करते हैं सबसे पहला है फेंटली फेंटली मतलब थोड़े बल से फिर है एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव मतलब एहसास हुआ पीरियड मतलब अवधि या फिर समय अफ्रेड मतलब डर ड्रैंक यानी कि पिया ओवरॉट मतलब अति व्यग्र या फिर अति उत्तेजित न यू टू दैट द केस यर वु डिमांड ऑल हिज अटेंशन अब एंड्रू को ये भी पता था कि यहाँ पर जो केस है ना वो डिमांड कर रहा है यानी उस केस के लिए आवश्यकता है कि उसका पूरा ध्यान वहीं पर हो अक्वी और लिथार्जी ऑफ स्पिरिट केम केम अपॉन हेम और फिर एक विचित्र सा आलस्य की जो स्पिरिट थी यानी कि विचित्र से आलस्य का ये जो यू you नो know, जोश था वो उसके ऊपर आया ही डिसाइडेड टू रिमेन एवरी थिंग वॉज ओवर और फिर उसने फैसला किया कि वो वहीं पर रहेगा जब तक ये सब कार्य समाप्त नहीं हो जाता एन आटर हिवेंट अपन एक घंटे बाद वो फिर से ऊपर गया नोटेड द प्रोग्रेस मेड और उसने क्या किया उसने नोट किया जो प्रगति अभी तक हुई थी केमडाउन वंस मोर और फिर से वो नीचे आ गया सेट बाय द किचन फायर और वो किचन में जो जल रही थी ना आग उसके पास जाके बैठ गया तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा है स्नैच स्नैच मतलब लेना यहाँ पे वैसे देखिए बच्चों स्नैच का एक और मतलब होता है छीनना पर यहाँ पे जो मतलब है वो है लेना डिमांड यानी कि आवश्यकता अटेंशन मतलब ध्यान क्वियर मतलब विचित्रिथार्जी यानी कि आलस्य स्पिरिट मतलब जोश या फिर आत्मा डिसाइडेड मतलब फैसला किया रिमेन यानी रहना अपस्टेयर्स मतलब ऊपर प्रोग्रेस यानी कि प्रगति इट वॉज स्टिल अब वो जो आग थी वो बिल्कुल ठहरी हुई थी एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ सिंडर इन द ग्रेट सिवाय वो जो सरसराहट हो रही थी ना सिंडर की यानी कि उस जलते हुए कोयले की उस ग्रेट में उस जगह पे एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ़ द वॉल क्लॉक और एक और आवाज़ आ रही थी उस रसोई में वो किसकी थी घड़ी की टिक टिक की नो देर वॉज अ नो साउंड और फिर एक और आवाज़ आई द बीट ऑफ मॉर्गन फुट स्टेप्स एज ई पेज इन द स्ट्रीट आउटसाइड और वो आवाज़ कौन सी थी मॉर्गन के पद चापों की आवाज़ थी जब वो चल रहा था बाहर सड़क पर यानी कि वो जो जो मॉर्गन था ना बच्चों वो घर में अभी तक नहीं आया है वो बाहर ही चहलकदमी कर रहा है द ओल्ड वुमन अपोजिट हिम सेट इन हर ब्लैक ड्रेस वो जो बूढ़ी महिला थी जो उसके सामने थी वो बैठी हुई थी अपने काले रंग की ड्रेस में क्वाइट मोशनलेस और वो काफ़ी ज़्यादा मोशनलेस थी यानी कि अविचल थी हराइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज और उस बूढ़ी महिला की जो आँखें थी वो अजीब ढंग से क्या थी बच्चों अलाइव थी सजीव थी और बुद्धिमान थी प्रोबिंग नेवर लिविंग हिज फेस और वो जो आँखें थी वो क्या कर रही थी वो जांच कर रही थी और वो आँखें उसके यानी कि एंड्रू के चेहरे से नहीं हट रही थी तो यहाँ पे हमने क्या क्या चैप्टर क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं बच्चों देखिए सबसे पहला है एक्सेप्ट एक्सेप्ट यानी कि सिवाय रसल यानी कि सरसराहट सिंडर मतलब जलता हुआ कोयला मोशनलेस मतलब अविचल या फिर स्तब्ध स्ट्रेंजली मतलब अजीब ढंग से अब बच्चों अजीब और ढंग से के बीच में स्लैश है ना ये स्लैश हम हटा देंगे इसका पूरा मतलब क्या है अजीब ढंग से अलाइव यानी कि सजीव वाइज मतलब बुद्धिमान प्रोबिंग यानी कि जांच पड़ताल तो बच्चों हमने एंड्रू के बारे में जाना जो मॉर्गन के बारे में जाना और जो मॉर्गन की पत्नी की माता के बारे में जाना पर हमें नहीं पता कि केस है क्या अब केस क्या है वो जानेंगे हम अगले वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में